वायर देख रहे हैं, ये क्या है, एक तार है। कहने को तो ये डाटा केबल है, लेकिन इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्या है, एक तार। अगर मैं इसमें एक तरफ से बिजली का करंट लगाऊंगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट लगाऊंगा, बोर्ड के अंदर लगाऊंगा, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। मान लीजिए ये क्या है, बिजली का तार, तार बोले तो सर इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब इसमें करंट फ्लो कराया, क्या कराया, करंट का फ्लो, तो सर ऐसे होता है करंट का फ्लो, यानी इस तरीके से, यानी इस दिशा से इस दिशा में होगा। ये जो तार लगाते हैं तो ऐसे ही तो होता है। तो इसकी वजह से इस वायर के अलोंग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इस तरीके से सर्किल की तरह मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। सर ये क्या वही मैग्नेटिक फील्ड है जो चुंबक वाला होता है, यानी चुंबक किसी चीज को चिपका लेती है अपने आप में, बिल्कुल वही है। यानी इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है, चुंबक की ज्यादा होती है, लेकिन ये भी चिपका सकता है, अगर छोटे मोटे कण आते हैं तो उनको चिपका लेता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी सर 90 डिग्री पे होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। यानी किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो सर यहां से क्लियर होता है, अगर किसी तार के अंदर बिजली दें, यानी इलेक्ट्रिसिटी दें, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तार की सरफेस पे, सरफेस पे बनता है। अच्छा, इसीलिए जो तार होते हैं किसी भी मोटर या जनरेटर के अंदर, इसीलिए तार लपेटे जाते हैं कॉपर के, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बने, चुंबक बने और वो रोटेट करने लग जाए, खिंचाव तनाव इसलिए तो होता है उसके अंदर। अच्छा, अब समझ में आया सर।